हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में मैं करने जा रहा हूँ वाटर कलर का डेमो, और इस डेमो के लिए जो मैंने रेफरेंस चूज़ किया है वो है ये रेफरेंस। ये एक मैंने एक फ़ोटोग्राफ ली है गूगल से, और इसका आज हम डेमो करेंगे एक कार्टेज शीट पे। वाटर कलर में किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है काम करने के लिए वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ, और कैसे वाटर कलर को हम यूज़ कर सकते हैं कार्टेज शीट के ऊपर या फिर किसी भी पेपर के ऊपर, तो वो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो करते हैं वीडियो को आगे स्टार्ट और देखते हैं कि कैसा इम्प्रेशन आता है। साथ के साथ मैं आपको बताऊंगा कि हम किन किन ब्रशेस का और किन शीट्स का यूज़ इसमें कर सकते हैं। चलिए करते हैं वीडियो को आगे स्टार्ट और लेते हैं इम्प्रेशन। वाटर कलर में काम करने के लिए हमें चाहिए एक कार्ट्रिज फाइल की स्केच बुक आप ले सकते हैं, या फिर कार्ट्रिज पेपर आप ले सकते हैं। लूज़ आप आराम से मार्केट से ले सकते हैं। लूज़ में आपको काफ़ी बड़ी शीट भी मिलती है और छोटी शीट भी मिलती है। अभी मेरे पास एक कार्ट्रिज शीट की ही फाइल है जिसमें मैं मैक्सिमम काम करता हूँ अपना। तो इसमें जो पेपर है हमारा, ये 140 GSM के GSM तक का पेपर है, ताकि आप इसमें अच्छे से कोई भी अगर कलर आप यूज़ करना चाहते हैं जो कि वाटर के साथ चलते हैं वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। बाकी और मैं इसमें जो वाटर कलर का यूज़ करूँगा वो है मेरे पास आर्टिस्ट क्वालिटी के वाटर कलर्स, तो ये वाले मैं इसमें यूज़ करूँगा। ये सारी ट्यूब्स आती हैं और मैंने ये सारे कलर्स अपने पैलेट में ऑलरेडी मेरे निकले हुए रहते हैं, जैसे कि ये आप देख रहे हैं। यहाँ से मैं लाइट टू डार्क करके इनको निकाल के रखता हूँ ताकि मैं वेरिएशन वाइज इनका यूज़ कर सकूँ। और वाटर कलर के लिए हमें चाहिए होते हैं राउंड ब्रशेस, तो ये अलग अलग नंबर के राउंड ब्रशेस हैं, हम उसी हिसाब से इसमें काम करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है कि अपने शीट को वेट करना है और अपने कलर्स को डाइल्यूट करना है। जो भी कलर्स आपको अपने रेफरेंस में दिख रहे हैं, जो भी आप रेफरेंस चूज़ करते हैं उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी कलर्स को डाइल्यूट फॉर्म में बनाकर रखें अपनी पैलेट में। उसके बाद आप अपनी शीट पर, जब आपने ड्राइंग कर लिया है उसके बाद आप अपनी शीट को हल्का सा वेट करें, ताकि जिस भी एरिया में आप कलर्स का यूज़ करना चाहते हैं तो वहाँ पर पहले से शीट वेट हो, ताकि आपके कलर्स की मिक्सिंग अच्छे से हो पाए। जो आपने कलर डाइल्यूट करके रखा हुआ है उन्हीं कलर्स को हमें फिर अपने आर्टवर्क पर अप्लाई करना है, और फिर लेयर वाइज काम करना है। लेयर वाइज कैसे, जैसे कि देखो मैंने अभी पहले एक लेयर डाली, अब उसी के ऊपर मैं सेम कलर की दूसरी लेयर डाल रहा हूँ ताकि कलर्स की ब्राइटनेस अच्छी निकल के आए। ठीक है, तो हमें करना क्या होता है कि जब जो भी हम आर्टवर्क बनाएंगे उसमें हमें लेयर वाइज काम करना है। लेयर वाइज कैसे कि अपने कलर को हम डाइल्यूट फॉर्म में बनाकर रखें, पहले कलर्स को डालें, उसका हल्का सा ड्राई होने दें, फिर उसमें दोबारा से एक लेयर डालें उसी सेम कलर की, या फिर उसमें हल्का सा आप ब्राइट कलर भी मिक्स कर सकते हो। जैसे कि मान लो आप मेरे इस रेफरेंस में ब्लू कलर यूज़ हो रहा है, तो मैं ब्लू की अलग अलग टोन्स का यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन अलग अलग टोन्स कैसे, लाइट से डार्क, जैसे कि स्काई हो गया, स्काई ब्लू हो गया, फिर हमारा कोबाल्ट ब्लू हो गया, पर्शियन ब्लू हो गया, इस तरीके से। ऐसे ही इसमें जितने भी बाकी कलर्स दिख रहे हैं उनको हमें लेयर वाइज काम करना होता है। सिंपल सी एक चीज़ है कि अगर आपको अपने वाटर कलर में ब्राइटनेस चाहिए तो आपको कलर्स की लेयरिंग करनी पड़ेगी। जितनी आप कलर्स की लेयरिंग करेंगे उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपने आर्टवर्क में ब्राइट टोन्स देखने को मिलती रहेंगी। अब एक चीज़ और इसमें होती है, जैसे कि हम वाटर के साथ कलर को डाइल्यूट करते हैं, तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि अगर आपको एक ही कलर के अलग अलग वेरिएशन चाहिए, जैसे कि अगर आपके पास ब्लू कलर है और आपको उसी ब्लू के डार्क वेरिएशन चाहिए और लाइट वेरिएशन चाहिए, तो आप वहाँ पे वाटर के साथ प्ले कर सकते हैं। जितना आप वाटर उस कलर में मिलाएंगे उतना ही वो ब्लू लाइट हो जाएगा, जितना लेस वाटर आप उसमें मिलाएंगे उतना ही वो ब्लू ब्राइट होता जाएगा। ठीक है, तो ये सारा आपका वाटर और कलर के बीच का खेल है, वो आपको थोड़ा सा अपने आप से खेलना पड़ेगा अपनी पैलेट में, अपने आर्टवर्क पे। और जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस में आर्टवर्क बनाएंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा, उतने ही ज़्यादा आप उसकी लेयरिंग को और उसको चलाने की और उसकी हैंडलिंग को समझ पाएंगे, अपने हाथ में अच्छे से आप ब्रश की हैंडलिंग को बैठा पाएंगे, है ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। जो आर्टवर्क है ये मैंने सारा का सारा लेयरिंग वाइज किया है, और मेरे को अगर इसमें छोटा सा छोटा काम भी करना है तो उसके लिए भी मैं पहले लेयर डालूंगा। जैसे कि मैं इसकी आई बना रहा था, तो मैंने पहले आई में मेरे को सामने अपने रेफरेंस में ब्लैक दिख रहा था, पर मैंने उसको ब्लैक डायरेक्ट नहीं डाला,
पहले मैंने आई में ब्राउन टोन्स डाले, उसके बाद मैंने उसमें ब्लैक डाले ताकि एक अच्छी ब्राइटनेस, एक अच्छा कंट्रास्ट हम क्रिएट कर सकें। इस तरीके से आप वाटर कलर को चला सकते हैं। दूसरी चीज़, वाटर कलर में काम कैसे किया जाता है, मिक्सिंग का और शार्पनेस का। अगर आपको कलर्स में मिक्सिंग का काम करना है, यानी कि एक कलर से दूसरे कलर को आपस में मिक्स करना है, तो आपको उसके गीले गीले होने में ही काम करना पड़ेगा। गीले होने में मतलब कैसे, कि जो आपकी शीट पे कलर अप्लाई हो रहे हैं वो वेट रहने चाहिए, और जो दूसरा अप्लाई हो रहा है वो भी वेट रहना चाहिए, और शीट भी वेट रहनी चाहिए, तभी आपके कलर आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएंगे, ठीक है। और मिक्स होने के बाद जब आपको शार्पनेस वाला काम चाहिए, तो आप उन सारे कलर्स को ड्राई होने का टाइम दें। जैसे ही वो ड्राई हो जाते हैं तब आप उनमें शार्पनेस का काम कर सकते हैं, लेकिन डाइल्यूट फॉर्म के साथ ही। ऐसा नहीं कि सीधा कलर को थिक थिक लिया और उसको शार्प कर दिया, तो वो चीज़ गलत हो जाती है, वो फिर वाटर कलर में नहीं काउंट होगा, क्योंकि वाटर कलर में वाटर का यूज़ होना ज़रूरी होता है। सिंपल सी एक चीज़ है, ठीक है ना। देखो कि कहीं कहीं पे हमें चीज़ें होती है कि हम वाइट एरियाज नहीं छोड़ पाते, जो कि हमें वाटर कलर में छोड़ने चाहिए, या बहुत छोटे एरियाज हैं नहीं छोड़ पा रहे, तो वहाँ पर हम अपना वाइट पेन का आराम से यूज़ कर सकते हैं। वाइट पेन आपको मार्केट में इजली अवेलेबल हो जाएगा। अगर वाइट पेन नहीं होता है तो फिर आप वाइटनर का भी यूज़ कर सकते हैं, और ये वैसे तो आपको इजली मिल ही जाता है, लेकिन अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप वाइटनर का भी यूज़ कर सकते हैं अपनी हाइलाइट्स को डालने के लिए। आई थिंक आज के डेमो में इतना काफ़ी है। आई होप कि आपको जितनी भी मैंने चीज़ें बताई हैं वो सारी समझ आई होंगी। बस आप प्रैक्टिस कीजिए, तो प्रैक्टिस करेंगे तो आपका धीरे धीरे हाथ में जैसे हैंडलिंग होती जाएगी, वैसे वैसे आपका वाटर कलर भी इनहेंस होता हुआ जाएगा। फाइनली ये डेमो हो चुका है फिनिश, एंड आई होप कि मैंने जितनी भी इसमें टिप शेयर की हैं वो आपके लिए यूजफुल हो, आपके आर्टवर्क के लिए यूजफुल हो, और जो भी आप आर्टवर्क वाटर कलर में बनाना चाहते हैं वो आप इजिली बना पाएं। शर्त यह है कि आप अपनी प्रैक्टिस मेंटेन रखें, आप अपनी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें। वाटर कलर इतना इजी भी नहीं होता कि आप एकदम से आज आप ब्रश उठाओ, एक आपने आर्टवर्क बनाया और एकदम से बन गया, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। तो आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपकी इम्प्रूवमेंट धीरे धीरे बढ़ती हुई जाएगी। एकदम से इम्प्रूवमेंट नहीं आ सकता, इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। और ये जो मैंने टिप्स आपके साथ शेयर की है, ये अगर आपके लिए यूज़फुल रही हैं तो आप प्लीज़ कमेंट में मेरे को ज़रूर बताएं, और अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें मेरे साथ, ताकि मैं आने वाली वीडियोस में आपको और डेमोज देकर, नई नई चीज़ों के डेमोज देकर और चीज़ें भी एक्सप्लेन कर पाऊँ अच्छे से। ओके देन, तो आप लीजिए रिवील का मज़ा, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।